नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव मैनपुरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मधुलिका राघव क्षेत्रीय अध्यक्ष मैनपुरी कार्यालय पहुंची। वहां पर साधना तिवारी जिलाध्यक्ष, अमृता चौहान जिला महामंत्री, माला सिंह भारती महिला मोर्चा ने माला तथा पट्टिका पहनाकर भव्य स्वागत किया। उसके बाद आए हुए मुख्य अतिथि ने महिला मोर्चा की महिलाओं के साथ एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बैठक की, जिसमें सभी महिलाओं को लोकसभा चुनाव में काम करने का महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया। उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट रहने की आवश्यकता है, ऐसा अपने विचारों में कहा। सभी महिलाओं को अपनी अपनी जगह पर रहकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का दायित्व दिया है। इस मौके पर शीतल चौहान, कमलेश बैंस, कमलेश अग्निहोत्री, अर्चना चौहान, भारती सिंह जिला कार्यकारी सदस्य महिला मोर्चा, कोमल शाक्य, सविता गौतम आदि महिलाएं मोर्चा मौजूद रही। हुआ है या किस इसका क्या मामला है, ये क्या है? आज यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है हमारा, ये लोकसभा चुनाव से संबंधित दोनों की बैठक ली गई है और इस बैठक में हम लोगों ने विधानसभा प्रभारी बनाई है, टोलियाँ बनाई हैं, किस तरह से बहनें टोली बनाकर जाकर घर घर संपर्क करेंगी, किस तरह से बहनें जाकर नारी शक्ति चौपाल लगाएंगी, ये कामकाजी बैठक थी हम लोगों की जो बहनों के बीच में हम लोग आज आ रखी है। क्षेत्रीय अध्यक्ष मधुलिका राघव, मैंने आज मैनपुरी की बैठक ली है यहाँ पे और बहनों को जो जो विधानसभा प्रभारी बनाई है और वो यहाँ पर उपस्थित है, सभी बहनें उनको जिम्मेदारी दी गई है और आगामी चुनाव में सारी बहनें जुट जाएँ और मैनपुरी की सीट को अच्छी संख्या में वो जीत दिलाएं, इसी संबंधित हम लोगों ने बैठक की। महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? महिलाओं तो सभी समझ रही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए क्या क्या किया है, जाके उनकी योजनाओं को लेकर हमारी बहनें डोर टू डोर जा रही हैं और उनको योजनाओं को बता रही हैं और बहनों को समझा रही हैं कि ये हम लोगों को इस वक्त जो देखिए चुनाव क्या होता है, एक युद्ध की तरह होता है। अब आने वाले समय में हमको बटन दबाकर एक युद्ध जीतना है कि एक सही समय पर सही व्यक्ति को चुनाव करके हम उस बटन को दबाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः विजयी बनाएं। इसी बात तो फिलहाल की खबरों में इतना ही, बने रहें एएसबी न्यूज के साथ। नमस्कार।